क्वेश्चन नंबर 1 पेज 24 फ्रॉम क्लास 9th चैप्टर 2 केमिस्ट्री। क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है कि हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल और इनके बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, तो और ये दोनों मिसिसिबल हैं विद ईच अदर। ठीक है, तो हम इसके अंदर जो टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, जो जिस टेक्निक के ज़रिए से इसको सेपरेट किया जाएगा, उस टेक्निक का नाम है सिंपल डिस्टिलेशन। बात ये आती है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों इस्तेमाल नहीं होगा। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमने देखा था कि जब दो मिसिसिबल लिक्विड का डिफरेंस, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अगर 25 केल्विन हो, तभी हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। मगर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो 25 डिग्री सेल्सियस को अगर हम कन्वर्ट करें, तो जब हमें डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना होता है, तो 273 को प्लस करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन के बराबर आ गया। ये तो बहुत ज़्यादा है, 25 केल्विन होना चाहिए। इस वजह से हम जो है यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अब जवाब में लिख दूं, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो। We will separate a mixture containing kerosene and petrol by using simple distillation process. जो steps involved हैं, पहले हम mixture को distillation flask के अंदर लेंगे, फिर उसको heat करेंगे, thermometers को put करवा कर, FX करवा कर, फिर उसके अंदर हम पेट्रोल का evaporation ऑब्जर्व करेंगे, जिसका melting point जो है low होता है as compared to kerosene. So अब वो क्या करेगा, एवोपरेट होने के बाद वो कंडेंसर से पास होगा और फ्लास्क के अंदर एक्युमुलेट हो जाएगा ड्रॉप बाय ड्रॉप। फिर केरोसिन के अंदर जो है, केरोसिन जो है वो डिस्टिलेशन फ्लास्क में ही रह जाएगा, ठीक है, और इस तरीके से हम लिक्विड को सेपरेट कर पाएंगे।